नमस्कार मित्रों, मैं हरिवदन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का दिन भारत के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया है। आज हमारा स्वतंत्रता दिन है। हमारे स्वतंत्रता दिन की आप सबको शुभकामनाएं। तो मित्रों, अब देखते हैं आज का दिन। मित्रों, आज रविवार 15 अगस्त 2021। मित्रों, आज का सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:16 और सूर्यास्त का समय होगा 7:13। मित्रों, आज की चंद्र राशि होगी वृश्चिक और नक्षत्र होगा विशाखा। तो मित्रों, अब शुरू करते हैं आज की राशियाँ। शूँ तमें डॉक्टर ने रिपोर्ट कराने कंटाड़ी गया छो? तो चालो जाए अपने अपनी जन्मकुंडली थी आपने कयो रोग थयो छे अथवा થવાની સંભાવના તો શું કરવું જોઈએ? તો એક જ ઉપાય છે, તું તારી પોતાની લાલ કિતાબ બનાવીને તેના ઉપાય કર। શું એનાથી જિંદગી બદલાશે? શું કરશે તો જરૂર બદલાશે। લાલ કિતાબ એક જ એવું શાસ્ત્ર છે કે જેમાં તમારા માટે તમારે જાતે જ ઉપાય કરવાના હોય છે। શું વાત કરે છે? હા ભાઈ, જેમ આપણે જમીએ તેમાં આપણું જ પેટ ભરાય, તેવી જ રીતે આ લાલ કિતાબનો ઉપાય કરે છે અને જે તે ઉપાય કરે છે તેનું જ કલ્યાણ થાય છે। તો ચલો ના લાલ કિતાબના ઉપાયથી ચાલો બનાવીએ આપની પોતાની લાલ કિતાબ। નીચે સ્ક્રીન પર ચાલતા નંબરોથી તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો। આજ કી પહેલી રાશિ મેષ રાશિ। મેષ રાશિ વાલે કો આજ અપને હી ઘર મેં કિસી સે મનમોટાવ હો સકતા હૈ। તો મિત્રો, આજ અપના મન સાફ રખે ઓર ઝગડો સે દૂર રહે। વૃષભ રાશિ વાલે કો આજ બિઝનેસ મેં બહોત અચ્છા લાભ મિલને વાલા હૈ। તો મિત્રો, આજ સુબહ સે હી અપને કામ પે અપના ધ્યાન લગાઈ રખે ताकि आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह पूरा करके एक अच्छा मुनाफा आप शाम तक कमा सको। मिथुन राशि वाले को आज अपने मित्रों से सावधान रहना है। आज आपका कोई नज़दीकी दोस्त आपको कुछ धोखा दे सकता है। कर्क राशि वाले को आज अपने विचारों से किसी को जोड़ना मुश्किल साबित होगा। आपके और उनके विचार आज शायद न भी मिले, तो आज का दिन ठहर जाना, कल ये बात करना, शायद मिल जाए। सिंह राशि वाले को अंदरूनी परेशानियां बहुत तकलीफ देगी। आज सुबह से ही आपके नज़दीकी रिश्तेदार आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं, उससे आपका मन परेशान हो सकता है। कन्या राशि वाले के मौज शौक में आज बढ़ोतरी होती हुई दिखती है। मित्रों, आज मन प्रफुल्लित रहेगा और दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तुला राशि वाले को आज व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो मित्रों, आज व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और जितना हो सके उतना आज मुनाफा कमा लें। वृश्चिक राशि वाले को आज आर्थिक समस्याओं में बढ़ोतरी हो रही है। आज कहीं ना कहीं से आपका पैसा रुकेगा, आपका जो किसी को किया हुआ वादा है वो आज आप शायद पूरा न भी कर सके। धनराशि वाले को आज अपने हित शत्रु मतलब आपके साथ बहुत मीठी बात करने वाले लोगों से सावधान रहना, यही लोग आज आपके लिए कुछ तकलीफ खड़ी कर सकते हैं। मकर राशि वाले को आज अपने मान सम्मान में ठेस लगती हुई दिखती है। तो मित्रों, आज इस पर ध्यान रखें, किसी के साथ मन मोटाव न होने दें। कुंभ राशि वाले को भी आज अपने विचारों पे काबू रखना है। आज आपका मन बहुत उछल कूद करने वाला है, लेकिन इसको काबू में रखिए ताकि आप कोई गलती न कर बैठे। मीन राशि वाले को आज अपने खर्चों पर काबू रखना है। मित्रों, आपके खर्चे धीरे धीरे बढ़ रहे, तो फालतू खर्चों को हो सके तब तक टाल दें। तो मित्रों, ये हुआ आपका राशिफल। अब देखते हैं आज का सुविचार। मित्रों, क्रोध ये कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति का बिगाड़ है। तो क्रोध पे काबू रखें ताकि आप अपनी शक्ति को खोए ना। अब देखते हैं आज की वैद्यकीय सलाह। मित्रों, आपको कहीं जलने से जख्म हुआ है तो उस पर तिल के तेल का पोचा बना के रखिए और इस पर पट्टी बांध लीजिए, घाव बहुत जल्दी भरेंगे। तो मित्रों, अब समय हुआ है आज के उपाय का। मित्रों, आज सुबह की शुरुआत आपको एक चुटकी गुड़ खा के करनी है, पूरा दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। तो मित्रों, मैं हरिवदन चौकसी आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे इसी चैनलों पर।
તો ચલો બદલ દે જિંદગી. નમસ્કાર મિત્રો.